पत्रकारी सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक मुद्दों से तो आपकी रूबरू कराते हैं, मुलाकात भी कराते हैं। आपकी पहली मुलाकात कराई थी दीपक त्यागी जी से, जिसका लाभांश काफी लोगों को मिला। क्या योजना थी इस बारे में भी आपसे दिखाया गया, बताया गया। आज एक कैंप लगाया गया है, कहाँ लगाया गया और क्या योजना है इस कैंप की, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे मिस्टर दीपक त्यागी। दीपक त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मुझे ऐसा लगा था कि सेकंड एपिसोड में आपसे मुलाकात नहीं होगी। मैं अपनी दिल की बात बोला, आपने कहा था कि सेकंड मुलाकात में मिलेंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन आज आपने प्रूफ कर दिया कि यू आर 100% राइट। बिल्कुल आप सही है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि धोखाधड़ी होती है हमारे साथ, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आज आपने प्रूफ कर दिया ऐसा नहीं है। दूसरे एपिसोड में आपने कहा था कि मैं आऊँगा और उन लोगों से भी मुलाकात कराऊँ। बिल्कुल देखिए, उस दिन आप ऑफिस में आए थे, आज एक कैंप लगाया हमने एफ एक्स रोड पर संतनगर डिवलप में। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, पीएम उदय योजना के बारे में हम सभी को जानकारी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि तो लोगों को पता नहीं है कुछ भी इसके बारे में, ज़्यादा की दृष्टि हो भी रही नहीं है। तो जिनकी दृष्टियाँ हो चुकी हैं आज वो ले लेंगे आपको। दूसरा क्या है कि अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स में या किसी और उसमें हेल्प की ज़रूरत है तो उसके लिए पब्लिक को असिस्ट करते हैं, निःशुल्क रेशन करते हैं। सर्वे टीम हमारे साथ है, उसको सर्वे कराना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर सारे के सारे काम में हेल्प करते हैं, जबकि कोई नीड है। आज हमने की जो स्टार्ट की है, जैसे कि कुछ लोग हैं घर में बुजुर्ग हैं, प्रॉपर्टी ज़्यादा बुजुर्ग के नाम पे है, वो ऑफिस नहीं आ सकते डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो हम आज से क्या कर रहे हैं कि कोई घर कराना चाहे तो हम घर पर जाके भी उनके साइन वाइन करा के लाएंगे, ताकि उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ये हम आज से स्टार्ट करें। अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा दिन पर आपने ये रखा है। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। बिल्कुल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। अरे वाह क्या बात है। देखिए दो महान हमारे हीरो भारतवर्ष के आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान है। लाल बहादुर शास्त्री जी का तो नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी छवि थी लोगों के दिल में आज भी बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन आज आपने ध्यान खींच के रखा। दिन का तो सर ये है कि जो हमारा काम है ना, ज़्यादातर लोग छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन लोग ज़्यादा मिलते हैं घरों पर या फ्री होते हैं, तो सैटरडे संडे या जो छुट्टी होती है सरकारी, उस टाइम पे लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा लोग इसके बारे में जाने, तो इसलिए हमने ये दिन चूज किया। सर एक बार प्रधानमंत्री उदय योजना के बारे में एक बार और से बता दीजिए, एक बार फिर से। प्रधानमंत्री क्या है, ये क्या है कि अक्टूबर 2019 में बिल पास हुआ है, जिसमें कि दिल्ली की 1731 जो अंतर्गत कॉलोनी है उनको पक्का किया गया है। अब इसमें क्या है, इसकी प्रोसेस है और एक बहुत ही नॉमिनल फीस आती है, जिससे कि सबकी पक्की रजिस्ट्री हो रही है, पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी, लोन वगैरह तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और अपना मालिकाना हक मिल जाएगा। ये नहीं है कि जीपी है, कल क्या होगा, अपना वो सारा का सारा काम पक्का हो जाएगा। तो एक जनसेवा इसे हम कह सकते हैं। देखिए सर, जनसेवा भी हम अवेयर कर रहे हैं, पीएम उदय हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं इसमें। हम पहले से अवेयरनेस करते थे, बाद में कुछ लोग बोले जी हमें कुछ दिक्कतें आती हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में या उसमें, तो उसके लिए हमने बोला भाई अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हेल्प करेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारे एरिया का ऑफिस है डीडीए का पीतमपुरा में, वहाँ का ही स्टाफ बड़ा अच्छा है, बहुत हेल्प करता है, बहुत कोई भी जाता है तो अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट करता है, तो काफ़ी बेनिफिट हमें मिल रहा है। शुरू में जो कम था अब काफ़ी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। अच्छा कैंप दो दिन चलेगा, कल भी चलेगा? अब ये कल भी रहेगा यहाँ पे, तो शायद कल कुछ और बड़े अधिकारी अधिकारी तो हम नेक्स्ट कैंप में बुलाएंगे, आज बात हुई है तो नेक्स्ट कैंप में आएंगे अधिकारी, अभी तो कल नॉर्मल कैंप रहेगा। नॉर्मल कैंप था तो समय समय पर लगता रहेगा, लगता रहेगा, महीने में कम से कम दो कैंप लगे। 73 कॉलोनी है बुराड़ी की, हम हर कॉलोनी कवर करेंगे। देखिए इनका कहना है कि 73 कॉलोनी है बुराड़ी की, इनका मकसद ये है कि इस योजना का लोग लाभांश उठाए, फायदा उठाए। कल भी ये कैंप लगाया जाएगा, अगर आप तक ये सूचना जाती है चैनल के माध्यम से तो आप आइए, अपनी जानकारी कीजिए और जब आप संतुष्ट हो जाए पूरी तरीके से, बिल्कुल जब आप कदम आगे बढ़ाइए। दीपक जी ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आपके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करनी है और उन लोगों से बात करनी है जिनका आपने काम करवाया और इस कॉलोनी को वैध बनाने में आपने इस योजना में उनको फायदा पहुँचाया। बिल्कुल। देखिए गिरीश जी हमारे साथ है, गिरीश जी झाड़ू लेकर आए थे, आम आदमी की झाड़ू होती है और झाड़ू का सिंबल दिखा दिखा के केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए और 20 करोड़ का टावर उन्होंने बनाया जनता के लिए, वो बंद हो गया, 3 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में लगाया, एक दिन के लिए बनाया गया,
लेकिन हम इस मुद्दे से बात नहीं करेंगे, सामाजिक मुद्दे पे बात करेंगे। एक्चुअली वैक्सीनेशन लेने के बाद टेंशन फ्री हो गए, फ्री हो गए। वैक्सीनेशन लेने के बाद टेंशन फ्री हो गए। रजिस्ट्री कराई आपने अपने मकान? नहीं कराई है ना, तो उससे भी फ्री होइए ना। हाँ बिल्कुल होना है। ये जो आपने दिखाया है दीपक त्यागी जी का, ये हमें अच्छा लगा कि इन्होंने एक पहल करा है। पब्लिक को पता भी नहीं है यहाँ की रजिस्ट्री भी चल रहा है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट के पास कोई जाएगा तो टाइम नहीं है, प्राइवेट नौकरी चल रहा है सबका। और दूसरी चीज़ ये है कि पता भी नहीं है कहाँ जाना है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी जगह है, पता ही नहीं है पब्लिक को। ये अगर इन्होंने आगे बढ़ के दिखाया है पब्लिक को रास्ता, तो हम लोग इनके साथ हैं, इनके उनके सफल से हमारा काम हो जाएगा। अच्छी बात है, तो यहाँ जाके आप जानकारी लीजिए। बिल्कुल, तो मुद्दे की बात है वो रह गई थी, बड़ी मुद्दे की बात है। अभी श्रीमान जी का कहना था, जाते जाते उन्होंने मुझे रोका, इन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं इनसे पूछते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? सर हमारे मकान की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, जिसमें हमें लोन नहीं मिलता है। हमारी अगर रजिस्ट्री हो जाएगी तो हम लोन भी लेने के हकदार बन जाते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिट है हमारे पास। तो आपको जब लोन मिल जाएगा तो आप इसको तोड़ के पूरा बनाएं? जी सर, जरूर बनाएं। इसमें तो अभी आपकी जान का भी जोखिम हो सकता है। सर बहुत जोखिम है इसके अंदर। अच्छा, जोखिम से आप बाहर निकल सकते हैं? जी सर। स्थानीय लोगों से भी आपकी मुलाकात कराई, उस कर्मचारी से भी आपकी मुलाकात कराते हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। दोस्त क्या है इसके बारे में बताइए पहले। सर ये जो पीएम योजना के तहत मकानों की पक्की रजिस्ट्री हो रही है, उसके लिए सर्वे की ज़रूरत होती है। जो मकानों का पैमाइश होता है वो मकान, हाँ जी, ये मकानों का पैमाइश होता है, उसके लिए हमें DGPS मशीन दिया गया है, DSR सर्वे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ये मशीन से उस मकान की पैमाइश होती है। पैमाइश होने के बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो राजधानी रजिस्ट्री द्वारा होगा। आगे का प्रोसेस आपका अपलोडिंग का होता है, वो आप राजधानी रजिस्ट्री में जाके अपलोडिंग का काम करा सकते हैं। ये मशीन का काम केवल रजिस्ट्री, जो आपका मशीन है वो मशीन से पैमाइश ही होगा। पैमाइश होने के बाद आगे का प्रोसेस वही है। मतलब रजिस्ट्री कराने से पहले जितनी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की जाती है? जी जी, पूरी फॉर्मेलिटी A to Z, उसमें कोई कहीं नहीं बरती जाएगी, कोई असावधानी नहीं छोड़ी जाएगी। क्योंकि अच्छा, जो DDA है वो DDA एक एक पॉइंट को चेक करता है, कहीं भी आपका करेक्शन रहेगा तुरंत डेफिशिएंसी दे देगा। तो इसके लिए सारे कुछ सावधानी से कार्य करना पड़ता है। जरा सी भी लापरवाही नहीं पड़ती? नहीं, थोड़ी भी। अभी आपने किसके मकान के किया कुछ बता सकते? अभी सर का मकान करके निकल रहे हैं। श्रीमान जी अभी इन्होंने कहा कि जरा सी भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जो पीछे से आदेश है पूरे फॉलो किए जाते हैं। क्या इनकी बात में सच्चाई है? जी सच्चाई है। ये आए थे यहाँ पर? आए थे सर। इनकी जो फॉर्मेलिटी थी पूरी करी इन्होंने? जी सर पूरी करी जी। तो संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सिर्फ आपसे कुछ खर्चा पानी लेकर किसी लालच में ऐसे झूठे मूठा कर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। जो इनका काम था उन्होंने पूरा किया। पूरा किया। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार शर्मा। इस कॉलोनी का क्या नाम है? संतरगढ़ बुराड़ी। अच्छा, अब इस योजना का आपको क्या फ़ायदा पहुँचेगा ये बताइए। इसका फ़ायदा सर वही है, रजिस्ट्री हो जाएगी, थोड़े कम पैसे में हो जाएगी, आने वाले टाइम के लिए बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, करवानी तो पड़ेगी, आज नहीं कल नहीं 10 साल बाद। तो धक्के खाने पड़ेंगे? तो नहीं, धक्के खाने पड़ेंगे उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम तो नहीं खाने पड़ेंगे। अब आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे? क्या नहीं खाने तो पड़ेंगे? ये जो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको क्या लगता है कौन है इसका, कौन व्यक्ति है जो ये आपके काम कर रहा है? ये हमारे दीपक त्यागी जी है जी। दीपक त्यागी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम, बेस्ट काम कर रहे हैं। देखिए मैं आज एक ज़मीनी सच्चाई आपके सामने लाया, उस लड़के को भी सामने लाया जो काम करता है। ये वो मशीन है, इस लड़के कहना बिल्कुल भी जरा सी भी लापरवाही नहीं बरती जाती, जो फॉर्मेलिटी होती है सख्ती से पालन किया जाता है। श्रीमान जी का भी कहना है जितना भी जो भी कानूनी कार्यवाही थी वो पूरी की गई, और अब इनका कहना है कि धक्के नहीं खाने पड़े, बैठे बैठे इस योजना का फ़ायदा इन्हें मिल गया है। अच्छी बात है। अब कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है, सिर्फ यह मकसद है कि इस योजना का अगर ये सही योजना है, जैनमन योजना है, तो उसका लाभांश आपको भी मिले। हमारा मकसद सिर्फ यही है। अभी जनता से रुझान लिया, गली में हम गए, गली में लोगों से बात की। अब दीपक त्यागी जी के ऑफिस में हम बैठे हैं, एक श्रीमान जी यहाँ आए हुए, वो अपनी जो कार्यवाही है वो करवा रहे हैं। आइए उनसे पहले मुलाकात करवा। श्रीमान जी आपका नाम? मेरा नाम राजेश वर्मा है। कहाँ से आया? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से? हाँ जी। यहाँ? हाँ जी। गुड़गांव से यहाँ तक रास्ते में आपको कहीं और ऐसी नहीं दिखा कि कहीं आसपास हो जाए या ऑनलाइन कुछ हो जाए? रास्ता पे तो कई लोग मिलते हैं, लेकिन अगर अपन नाम का वृंदावन को जाते लोग दर्शन करने के लिए, विश्वास के लिए, विश्वास के लिए ना, तो कह रही थी विश्वास था, इसलिए हम तो आँख मिल के सीधा यहीं पर आते थे राजधानी प्रॉपर्टी। आज पहली बार आया? हाँ पहली बार आया, बात काफी बार हुई है भाई सबसे। क्या प्रोसीजर है सबसे पहले यहाँ पे जो आपसे करवाया गया आने के बाद? या मतलब आप जब आए हैं सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर आपसे पूरा करवाया गया? मुझे पहले ही मैंने बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आए। कौन से डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड लेके आया था, पैन कार्ड था, प्रॉपर्टी की चेन थी, 5 फोटो मंगाई थी इन्होंने,
और एक एड्रेस का प्रूफ मंगाया था, तो मैं वो ऑरिजिनल सब लेके आया और सर में फोटोकॉपी भी लेके आया और भाई सर ने आके मुझे ठंडा ठंडा वो पिलाया, जूस पिलाया और चाय रखी मेरे सामने। और उसके बाद इन्होंने आते ही पेपर मेरे स्कैन करना शुरू कर दिया, उनको अपलोड करना शुरू कर दिया इन्होंने और मैं बैठ के प्रोसेस देख रहा। अभी आपने कहा कि ठंडा ठंडा पिलाया, एक बड़े बुजुर्ग की कहावत है कि बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ऐसा तो नहीं कि आपसे एक बड़ी मोटी रकम मांगी गई हो या मोटी मोटी रकम मांगी जाए बाद में? अब ये तो मुझे जो बताया गया कि उससे ज़्यादा तो मैं दूंगा नहीं। वो सवाल आपने पूछा सर कितनी फीस है? ठीक ठाक है सब, मैंने पहले से पूछ के पता करा और एक दो लोगों से मैंने पहले भी बोला। जैन फीस है आपकी? फीस उचित है, वही फीस है बिल्कुल जो उचित है और अनुचित नहीं। अनुचित नहीं। प्रॉपर्टी कहाँ की है सर आपकी? जी प्रॉपर्टी कहाँ की आप? प्रॉपर्टी मेरी नाम है कि जयनगर पड़ता है आपका के पास दिल्ली में। अच्छा, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी मेरी और 150 गज का प्लॉट है मेरा। कभी आपने कहीं और भी ट्राई किया था? मेरे पास फ़ोन आए थे 2-3 लोगों के, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। नहीं विश्वास की बात नहीं है, वो दूर था, मुझे जाना हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैं गया तो मेरी शुभम भाई सर से बात हुई, इन्होंने सर्वे करना था, तो इनसे जब ये आए वहाँ पर सर्वे करने के लिए तो मैंने इनसे पूछा कि कहाँ कराया है, तो इन्होंने भाई साहब का नाम लिया त्यागी जी का कि उनको उनसे बात कर लो, उन्होंने वो करा देंगे आपका काम। तो फिर मैंने फिर सोचा समझा नहीं और कि मैं मुझे कहीं और जाऊँ, तो मैंने सीधा भाई साहब से बात करी और भाई साहब ने बोला आप आ जाओ, मैं आपका काम करा देता हूँ और बस सीधा मैं फिर यहाँ कहीं आ गया, मैंने किसी और जगह पता भी नहीं किया उसके बाद। तो जिस उम्मीद से जिस अपेक्षा को लेकर आप यहाँ आए थे उस अपेक्षा से आप संतुष्ट? अभी तक तो मैं संतुष्ट हूँ, जब मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं त्यागी जी को मिठाई खिलाऊंगा। जिस दिन आपका काम हो जाएगा क्या आप मुझसे मुलाकात करेंगे? जरूर करूँगा। अगर मिठाई भी खिलाएंगे मुझे भी खिलाएंगे ना? अब त्यागी जी मेरे आपसे मिलवाएंगे तो जरूर खिलाएंगे, क्योंकि मैं तो त्यागी जी को जानता हूँ, बाकी आप मिलेंगे तो जरूर जो भी बैठा होगा सबको मिठाई खिलाएंगे। देखिए इन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा मिठाई खिलाई जाएगी, अब मिठाई कब खिलाते हैं कब नहीं खिलाते इनसे दूसरी मुलाकात जरूर करेंगे। आज ये पहली बार ऑफिस में आए हैं और पूरी तफ्तीश से हमने बात करी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रकम कितनी ली जाती है, सारी जानकारी इन्होंने दी। अब मिठाई खाने का इंतजार करते हैं, कभी हमें मिठाई खिलाते हैं। क्यों श्रीमान जी मिठाई खिलाएगा? जल्द से जल्द। बाकी त्यागी जी के आते हैं कितने जल्दी वो ऐसा मौका देते हैं मुझे? कितने दिन में प्रोसीजर पूरा हो जाता है कुछ बता सकते हैं? मुझे अभी बताया कि जैसे ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट्स आज स्कैन कराए तो परसों तक वो कह रहे हैं कि इसको कॉपी बना के मुझे दे देंगे साइन कराने के लिए, और उसके बारे में कि कब तक होगा वो मुझे अभी आइडिया नहीं है। जल्दी से बात करूँगा, जल्दी बताएंगे कि कितने दिन में पेपर मेरे रजिस्ट्री में हाथ दूँगी। अच्छा चलिए, मिठाई खाने के लिए आप भी बेसब्री से इंतजार करते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं मुँह मीठा नहीं करूँगा जब तक इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा। मैं राजन राही सच की रखता हूँ।